स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, कल यानी 12 जून 2022 को यूपीपीसीएस पीटी का एग्जाम है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्जाम गाइस। एक सेगमेंट है यूपी वन रिपोर्ट, ये इंडिया का आया है और ये वन रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार आता है। सो इंडिया का वन रिपोर्ट में से जो यूपी का सेगमेंट है उसको यहाँ पर एक पेज में प्रॉपर पूरे स्टेटमेंट को कलेक्ट किया गया है। सो अगर आप देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मेमोरी से, रिकॉल से अगर ये बाहर निकला हुआ है तो प्लीज़ आप देख लेना। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही छोटा वीडियो कोशिश की जाएगी बनाने की। सो आई होप कि आप इसको देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मिस मत करना। अगर वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है तो प्लीज़ इसको देख लेना। यूपी का वन रिपोर्ट 2020। देखिए, यूपी के नाम पे कोई वन रिपोर्ट नहीं आता, आया था इंडिया का, वहां से यूपी का सेगमेंट बाहर अलग किया गया है, ठीक है। सो यूपी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, यह 17वीं रिपोर्ट है 2019-21 का, हर 2 साल में एक बार आता है, ठीक है। यूपी में कुल वन और बिच्छावरण 22,238.89 वर्ग किमी के क्षेत्र में है, जो कि यूपी के क्षेत्रफल का 9.23% के क्षेत्रफल वृक्षावरण और वन है। यूपी में बनावरण 14,814.89 वर्ग किमी है, यानी यूपी के क्षेत्रफल का 6.15%, ठीक है। सबसे अधिक बनावरण सोनभद्र में है, ठीक है। इस जिले का नाम याद रखना, सबसे ज्यादा जो बनावरण है वह सोनभद्र में है। कुल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से आगे है। अगर प्रतिशत में पूछेगा बनावरण तो भी सोनभद्र है, ठीक है, और अगर आंकड़े में पूछेगा तो भी सोनभद्र आगे है, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर सबसे कम बनावरण जो है वह भदोही में है, ठीक है। सबसे जो कम बनावरण है ये भदोही में है। भदोही आपको पता है कि ये मिर्जापुर और बनारस के पास का एक जिला है, जो कि नवनिर्मित जिला है। पहले बनारस में था, वाराणसी में था। कुल और प्रतिशत के हिसाब से दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना कि परसेंटेज और क्षेत्रफल में दोनों में सोनभद्र आगे है बनावरण में, और सबसे कम परसेंटेज और क्षेत्रफल में भदोही है, सबसे कम में, ठीक है। बनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में है, ठीक है। बनावरण में जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है वह सहारनपुर में है। बनावरण में सबसे अधिक कमी जो है वह सोनभद्र में हुई है। सो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना आप, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सोनभद्र आगे है, प्रतिशत में सबसे आगे है, ठीक है, क्लियर। लेकिन बनावरण में सबसे जो अधिक कमी हुई है उसमें सोनभद्र उसमें भी आगे है, ठीक है। सबसे अधिक अति सघन वन खीरी में है, सबसे अधिक अति सघन वन खीरी में है। सबसे अधिक खुले वन मध्यम वन सोनभद्र में है, ठीक है। सो यहां सोनभद्र के नाम से प्लीज कंफ्यूज मत होना, सबसे अधिक खुला वन सघन वन भी सोनभद्र में है, ठीक है। सबसे अधिक झाड़ी आगरा में है, ठीक है। बहुत लोग का सेंटर भी आगरा में गया होगा, तो आप वहां से भी रिकॉल करके याद कर लेना कि सबसे अधिक जो झाड़ी वाले वन है, झाड़ी जो होते हैं वह आगरा में है, ठीक है। ISFR 2021 के हिसाब से यूपी में वन की जो सीरीज है, खुला वन है उससे कम मध्यम वन है, और उससे कम अति सघन वन है। यानी सबसे अधिक जो है यूपी में खुले वन है, ठीक है, उसके बाद मध्यम वन के स्थान आते हैं, उसके बाद अति सघन वन के स्थान आते हैं, ठीक है। यूपी में वन के प्रकार, ठीक है, 29 है। यूपी में वृक्षावरण 7,421 वर्ग किमी में है, यूपी के क्षेत्रफल का 3.08%। यूपी में वृक्षावरण, ठीक है, देखिए यहां पे बनावरण था, यूपी में बनावरण था, ठीक है, और बनावरण जो है यूपी के क्षेत्रफल का 6.15% है, ठीक है, 6.15% बनावरण है, क्लियर। अब यहां पे देखिए वृक्षावरण की बात हो रही है, तो वृक्षावरण 3.08% है। आप ऐसे भी याद रखना कि बनावरण ज्यादा है उससे कम वृक्षावरण है, लगभग लगभग आधा है, ठीक है, क्लियर। और यहां पर ध्यान देना कि बनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर के जो क्षेत्रफल है वो 9.13% है। तो आप यहां से भी याद कर लेना कि 6.15 को प्लस उसमें 3.08 को ऐड कर देना तो वृक्षावरण और बनावरण आ जाएगा, और वृक्षावरण कम है बनावरण से, ठीक है। 2019
19 से 79 किमी वर्ग की वृद्धि हुई है। क्लियर। आईएसएफआर 2021 के अनुसार यूपी में पहाड़ी जिलों की जो संख्या है वह शून्य है। क्लियर। आदिवासी जिलों की संख्या एक है। ओके। यूपी में टीओएफ वनों के कुल क्षेत्र से बाहर के जो वृक्ष हैं का विस्तार 13,096 वर्ग किमी स्क्वायर में हुआ है। यूपी में कार्बन जो स्टॉक है यानी CO2 का 429.88 मिलियन टन, देश के कुल कार्बन का 1.16%। क्वेश्चंस यहां से भी बढ़ सकता है एनवायरमेंट के लिए कि जो यूपी में कार्बन स्टॉक है यानी CO2 वो 429.88 मिलियन टन के फॉर्म में है, यानी देश के कुल कार्बन का 1.63% है। सो गाइस, आई होप कि आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं कोशिश किया हूँ बता पाने की। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो प्लीज़ देख लेना, अगर आज यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बिल्कुल सक्सेस रहा अपने मोटिव के लिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।